अच्छा, इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, चार पांच पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये पाँच छः दस पंद्रह लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है। ये जो अपर मिडिल क्लास है वो, उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया, और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे, ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है, जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो बीच में है ये लोअर मिडिल क्लास जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है, मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।